मगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जेम पोर्टल्स में जो बीड में आप पार्टिसिपेट लेते हैं या फिर नहीं लेते, उनका आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा जो कौन सा टेंडर किसको मिला। जैसे कि हम बाकी सभी पोर्टल्स में मिलते हैं, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ, किस आपके जो L1 थे उसको रेट क्या रेट से उसको टेंडर मिला, ये सभी डिटेल्स अपने को पता चल जाएगा। तो सबसे पहला हम उसका लॉगिन करके रखा हुआ है, मेरे पोर्टल में आपको मेरा लॉगिन दिख रहा है। वहाँ पे देखिए एक बीड्स का बटन भी है, तो बीड्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। मेरा ये जो पोर्टल खुला है, बीड्स पे क्लिक करने के बाद आरए बीड्स जो है, आरए बीड्स या आरए स्टेटस बोल के रहता है, वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये आपका पोर्टल खुलता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो अपने को ये डिटेल्स दिखना चालू हो जाता है जो लेटेस्ट टेंडर के बारे में बता सकता है। इसके छोड़ के भी मैं सर्च कर सकता हूँ, तो मैंने एक टेंडर डाला, नंबर, बीड का नंबर, और उसको सर्च कर दिया। तो जैसे ही सर्च कर दिया तो मुझे उसके उसके डिटेल्स मुझे यहाँ मिल गया। देखिए यहाँ पे बीड्स में जाके पार्टिसिपेट बीड्स पे आपको क्लिक कर देने का, तो हमने जो बीड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए उसके डिटेल्स मिलते हैं। ये भी हमने कोई भी बीड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। यदि मैं बीड्स में पार्टिसिपेट किया हुआ रहता तो उसके रिजल्ट दिखते थे। तो मैं यहाँ पे टेंडर नंबर बोल के जो बीड्स में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको भी सर्च कर सकता हूँ। सर्च करने के लिए बीड पे क्लिक कीजिए, आरए नंबर यदि पता है तो आरए नंबर बोल के सर्च कर दीजिए जो आपका बीड का नंबर है। यहाँ पे आपको बीड्स का नंबर पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च कर देते तो आपको वहाँ पे उसका टेंडर मिल जाता है। जब टेंडर मिल जाता है तो उसको आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा, कैसा कैसा आपका स्टेटस है। यहाँ पे व्यू आरए रिजल्ट बोल के आपको मिलता है, यहाँ पे व्यू आरए रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे हमको बीडर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेक्निकल एवोल्यूशन और फाइनेंस बोल। सबसे पहले हम टेक्निकल एवोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए टेक्निकल में उसका नाम, कभी उसने क्वालिफाई किया, उसका डेट टाइम, कभी टेंडर भरा है, और वो एमएसएमई में है क्या, और क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पता चल जाता है। जो लोग डिस्क्वालीफाई है वहाँ पे लिखा आ जा रहा है डिस्क्वालीफाई हो गया, जो क्वालिफाइड है टेक्निकल में उनका आपके क्वालिफाई, डिस्क्वालीफाई रेड कलर में ब्लिंग रेड कलर में है, और क्वालिफाई आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है जो कि इस टेंडर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, उसमें से डिस्क्वालीफाई कौन कौन हुए और क्वालिफाई कौन कौन हुए, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाता है। ये छोड़ के भी अपने को फाइनेंस के बारे में पता चलता है, जो L1 कौन है, L2 कौन है, ये भी पता चलता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसके फाइनेंस एवोल्यूशन पे जाके फाइनेंस एवोल्यूशन में क्लिक करा। यहाँ पे सिर्फ L1 का ही वैल्यू आता है, L2 L3 का वैल्यू नहीं दिखता, L1 का सभी कुछ पता चल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जो किस डॉक्यूमेंट्स के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ वो भी अपने को यहाँ पे पता नहीं चलता। हाँ, बीडर्स के नाम जो डिस्प्ले होता है, और डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई इतना ही मुझे यहाँ पे पता चल जाता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इतने इतने लोगों ने बीड्स में पार्टिसिपेट किया था, पर सिर्फ डिस्क्वालीफाई बहुत लोग यहाँ पे थे, जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। ये छोड़ के भी हम आपको एक दूसरा टेंडर भी सर्च करके दिखते हैं, जो दूसरा टेंडर का भी आपको एक बताता हूँ जो वहाँ पे कैसे कैसे हुए, उसका स्टेटस क्या है। तो बीड आर ए स्टेटस, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे बीड्स आर ए स्टेटस पे, बीड सारे स्टेटस पर यहाँ पे टेंडर का जो आईडी है वो आईडी मुझे पता होना चाहिए, उसको देखे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद व्यू बीड डिटेल्स, व्यू बीड रिजल्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था जो जेम का जो व्यू बीड का रिजल्ट है वो आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मुझे इसका डिटेल्स पहले जैसा पता चल जा रहा है। यहाँ पे इसको नाम, जिसको बीडर्स का जो नाम है वो नहीं दिख रहा है। टेक्निकल, सबसे पहला टेक्निकल हम लोगों ने जैसे पहले देखा वैसा ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। टेक्निकल्स में क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे फाइनेंस का भी देख लेंगे। फाइनेंस का देखिए, फाइनेंस के यहाँ पे नीचे एरो में हम लोग फाइनेंस पे क्लिक करेंगे अभी, तो मुझे फाइनेंस का भी जो डिटेल्स है वो पता चल जाएगा, जो L1 किस रेट में भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अभी फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, तो फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंस पे पता चल जाता है L1 है उसको क्या रेट में मिला है, और वो उसको अवॉर्डेड हुआ है वो कौन है, और उसको किस प्राइस में आपको ये बिड्स मिला है।
यहाँ पे अपने को जेम्स पोर्टल के पूरे डिटेल्स पता चल जाता है। यदि आप जेम के बारे में पता नहीं है तो हमारे पास ऑनलाइन भी क्लासेस है, ऑफलाइन भी क्लासेस है, आप अटेंड कर सकते हैं हमारे क्लास। यहाँ पे आपको जेम के बारे में सभी चीज़ बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके सभी डिटेल्स मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।